हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है और बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेरे पास आया हुआ है। चार बंदे चाहिए मुझे, जरी का कारीगर, और सऊदी अरबिया सेक्टर जद्दा के अंदर काम रहेगा। ये जद्दा का रिक्वायरमेंट है और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आप कमा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई सैलरी आपका फिक्स नहीं रहेगा। मंथली का जो एवरेज है वो 1500 से लेकर के आप 2500 मंथली कमा सकते हैं वहाँ पे। उसके ऊपर जाएंगे वो आपके हाथ के ऊपर है। आप जितना फास्ट काम करेंगे, जितना आपको नॉलेज रहेगा इस काम का, उतना आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और इसमें पासपोर्ट आपका अगर ACR है तो थोड़ा मुश्किल है, ACNR अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मसला चल रहा है इमिग्रेशन का, ठीक है। और अभी तो जितना जल्दी हो सकता है ये मैटर सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे चल के हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ACR पासपोर्ट अभी ले नहीं रहा है सऊदी वाला। और जो ऑफिस का लाइसेंसेस ऑफिस है वो लोग अपने हिसाब से इमिग्रेशन करवाते हैं, बहुत कम लोग अपना हिसाब से इमिग्रेशन करवाते हैं। तो जो खैर जो भी है, अगर आपके पास ACNR पासपोर्ट है तो आपका जो है फ़्लाइट बहुत जल्दी हो जाएगा, और ACR पासपोर्ट है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 15 से 20 दिन, ठीक है। मैक्सिमम एक महीने में आपका जो भी है काम हो जाएगा। और सैलरी मैंने बता दिया है आपको, 1500 से लेकर के 2500 3000 कमा सकते हैं, वो आपके हाथ के ऊपर रहेगा। उसमें कोई सैलरी फिक्स नहीं रहेगा आपका, ये अपना पीस रेट के हिसाब से अंग के ऊपर आपका काम रहेगा। आप जितना काम करोगे, जितना काम सिलोगे, जितना हाथ आपका फास्ट रहेगा, जितना आपके अंदर कारीगरी रहेगा, उतना आप पैसा वहाँ पे कमा सकते हैं। और अगर किसी भाई को खाका बनाना आता है और पूरा सिस्टम को संभालना आता है तो वो इसमें और भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो जाएंगे उसको मैं बोल देता हूँ कि आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वहाँ पे जाके 50,000-60,000 मंथली कमाएंगे, ऐसा नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैंने बोल दिया स्टार्टिंग आपका 1500 आएगा, चाहे कितना भी स्लो कारीगर रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप फास्ट काम करते हैं और आपके अंदर कारीगरी है तो आप 3000 भी मंथली उठा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन पीस रेट के ऊपर ही काम रहेगा, कोई सैलरी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। और ड्यूटी आपके ऊपर है, आप 8 घंटा करो, 10 घंटा करो, 12 घंटा करो, 14 घंटा करो, फैक्ट्री ऑल टाइम खुला रहता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आपको जितना पैसा कमाना है आप अपने हिसाब से कमा सकते हैं। 10 घंटे का भी ड्यूटी कर सकते हैं, मैक्सिमम 9 घंटा 8 घंटे का ड्यूटी होता है, उससे ऊपर आप जितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। एज लिमिट जो है 21 से लेकर के 40 साल का बंदा चाहिए, और इसमें पासपोर्ट दोनों ही एक्सेप्टेड है, लेकिन ACNR अगर है जिनके पास तो वो जल्दी जाएंगे, और ACR रहेगा तो वो थोड़ा उनका लेट होगा। बाकी आपको जो है कंपनी किचन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, रूम दे रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस और इकामा, ये सारा चीज़ जो है कंपनी आपको दे रही है, ठीक है। किचन फैसिलिटीज़ के अंदर में आपको बाटला बर्तन सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, बस आपको जो बना करके खाना है वो लाना है, वो लाइए बनाइए खाइए और काम कीजिए, ठीक है। हफ्ते में एक दिन इसमें छुट्टी भी है उधर, चाहे तो आप काम भी कर सकते हैं या फिर छुट्टी भी रह सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने बोल दिया है कि जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, इसमें कोई सैलरी नहीं है, कोई ड्यूटी टाइमिंग नहीं है, वो आप अपने हिसाब से वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है भाई, जिनको जरी का काम आता है, जो जरी वाला कारीगर है, जो जरी के काम में जाना चाहते हैं, फटाफट कॉल कीजिए, और चार बंदे की ज़रूरत है, और बड़ा फैक्ट्री के अंदर काम रहेगा आपका, इनका बड़ा शोरूम भी है खुद का, तो इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, टेलर एम्ब्रॉयडरी मशीन एम्ब्रॉयडरी सारा चीज़ जो है इनके फैक्ट्री में होता है, ठीक है। तो जाना है तो जितना जल्दी हो सकता है मुझे कॉल कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.